शुरू में हर किसी से गलती होती है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जिससे गलती ना हो। तो वो गाइडेंस, आप किसी अच्छे बंदे से गाइडेंस लें। जस्ट लाइक एवरी बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर आपको कोई किसी किस्म की कोई अप एंड डाउन ना आए। अब सपोज़ आपके पास अल्बाइनो रेड आई का पेयर है, तो एक सीज़न के अंदर आपको अल्बाइनो रेड आई भी 1-1.5 लाख रुपया एक पेयर दे जाता है। किसी बंदे का बर्ड सेल होता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड देखें इतनी ज़्यादा है कि उसको मीट नहीं किया जा सकता लोकली प्रोडक्शन से। इसी वजह से आप देखते हैं कि इतनी इतनी ज़्यादा माइटी इम्पोर्ट्स होती हैं। मॉडरेट टेम्परेचर होना, सन लाइट होना और प्रॉपर वेंटिलेशन होना, ये एक हर बर्ड की ज़रूरत है, बेशक वो बर्ड है, फिंच है या कोई सी भी आपने स्पीशी रखी हुई है। आपके बर्ड रेडी नहीं होते तो आप उनको ब्रीड पे लगा देते हैं, और जब आप ऐसे बर्ड को ब्रीड पे लगा दें तो वो आपका पूरा अगले सीज़न तक भी सही तरह, पूरा सीज़न आप कह लें 6-7 महीने उन्होंने सही तरह परफॉर्म करना ही नहीं। जितनी मर्ज़ी सर्दी आ जाए, आपके पास वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए। वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपके लिए, आपके बर्ड के लिए प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। आज मैं लाहौर में आपको विज़िट करवाने के लिए वकास मलक भाई के लबड़ का सेटअप, इनके पास माशाल्लाह से 100 पेयर लगा हुआ है लबड़ के डिफरेंट म्यूटेशन में, और पिछले 6 साल से लबड़ को ब्रीड करवा रहे हैं। आइए वकास भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अपने कीमती टाइम में से हमारे पास आने की जो है वो एक हमें टाइम दिया। नहीं वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो वकास भाई, सबसे पहले ये बताएं कि इतने ज़्यादा बिजनेस हैं तो आपने लवबर्ड फार्मिंग का ही क्यों इंतखाब किया? इसमें इरफान भाई ऐसा है कि मैं शुरू से ही एक एज ए हॉबियर में इस चीज़ को लेकर चल रहा था, और ग्रेजुअली आपको पता है कि कोई ना कोई हॉबी है वो आपकी बिज़नेस में कन्वर्ट हो जाती है। और लकीली हमारे यहाँ पे एक कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रुझान चला गया कि बर्ड फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा लोग आ गए, और इसके अंदर एक काफ़ी लुक्रेटिव किस्म का प्रॉफिट भी ऐड हो गया। तो वो चीज़ सारी कन्वर्ट हो गई, एक हॉबी जो थी हमारी अपनी वो सारी की सारी बिज़नेस में कन्वर्ट हो गई। और जैसे वो एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, वैसे ही फिर हम भी उसमें चेंज हो गए, और इसको एक सक्सेसफुल बिज़नेस के तौर पर भी आगे ले कर चल रहे हैं। जी, तो वकास भाई, अपने स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया था लबड़ फार्मिंग का? मैंने इरफान भाई, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो मेरी नहीं थी इसमें, क्योंकि मैं ग्रेजुअली इस हॉबी को मैंने अपनी बढ़ाया है। बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, तो वो करते 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 एक इस स्केल पे चली गई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस उसको कंसिडर करते हैं। लेकिन मेरी सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर प्रोग्रेस थी वो ग्रेजुअल थी, मतलब कि 2-3 पेयर से स्टार्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैंने अभी इसको अपने आप को होल्ड किया हुआ 100 पेयर्स के ऊपर। ऑल दो कि मैं बिलीव करता हूँ कि यार 30-40 पेयर ही ब्रीड पे लगे हों, ज़्यादा ना लगे हों, लेकिन जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ करना चाहिए अब कर सकते हैं। इस टाइम आपके पास वकास भाई ब्रीड कौन कौन सी अवेलेबल है? मेरे पास अल्लाह का शुक्र है ऑलमोस्ट सारी ही ब्रीड्स लगी हुई हैं, पेल फेलोज, डाइल्यूट्स, पैलेड, आपके पेल्स, ग्रेविंग्स, सफ़ायर, जितनी लेटेस्ट म्यूटेशंस हैं, अच्छी क्वालिटी की फ़िशरीज़ हो गई, बेसिक बर्ड्स, ऑफलाइन बॉयल टाइप ग्रीन फिशरीज़, ऑलमोस्ट सारे ही बर्ड्स मेरे पास लगे हुए। मैंने अपने जो आप कह लें कि जो ज़्यादा एक्सेल जिस चीज़ से किया वो मेरे पास क्रीमिनोज और डेकिनोज थे, और वो अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छी क्वालिटी के थे कि उसके अंदर काफ़ी मुझे अपस्केल मैं उसमें हूँ कि मेरे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वो बर्ड्स हैं, तो काफ़ी अच्छी उनसे भी अर्निंग आ जाती है। मेहनत करके आपने ऐसे बर्ड्स बना लिए कि वैसे कम है मार्केट में लोगों के पास। तो वकास भी इम्यूनिटी की बात कीजिए, लबड़ की इम्यूनिटी कैसी है? लबड़ की इम्यूनिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी किस्म का कोई मुझे कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। अनलेस के आप जब स्टार्ट में पेल फेलोस को ब्रीड करवाते थे, उनमें था कि सर्वाइवल इशू थोड़ा ज़रा ज़्यादा था,
लेकिन ग्रेजुअली जैसे वो अपने स्प्रेड्स बना के उनकी सारी ब्रीड को हमने अपने माहौल के मुताबिक सारा इम्यून कर लिया, तो अब वो भी काफ़ी बेहतर इम्यूनिटी के अंदर चले गए हुए हैं। तो वकास पे इनकी एवरेज एज कितनी होती है और कब तक ब्रीड करते हैं ये? क्योंकि मुझे अभी इसको ब्रीड करवाते हुए सोलिली को 6-7 साल हुए हैं, तो मेरे पास ऐसे पेयर्स भी हैं जो कि 6-7 साल से कंटिन्यूसली मेरे पास चल रहे हैं और अच्छे खासे चल रहे हैं। मैंने लेकिन यहाँ पे मैंने अपने कुछ दोस्त हैं उनके पास 8-8 साल का भी बर्ड ब्रीड कर रहा है। माशाल्लाह जी। लेकिन वैसे इनकी एवरेज एज जो है वो 7-8 साल होती है। ओके वैसे भी आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम कर रहे हैं बिज़नेस? मैं तो इसको पार्ट टाइम फ़िलहाल लेके चल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मेरी मसरूफियत इस तरह की है कि मैं अभी इसको फुल टाइम नहीं कन्वर्ट कर पाया, लेकिन मेरे ख्याल में कि आप इसको फुल टाइम नहीं करना चाहिए कोई एक भी बिज़नेस, क्योंकि जो इस टाइम दुनिया के हालात हैं और पाकिस्तान के भी वैसे ही ऐसे ही हालात हैं, आप जितने मैक्सिमम कोई एक्टिविटीज़ बिज़नेस रिलेटेड कर सकें वो आपको उतनी करनी चाहिए, किसी एक चीज़ पे स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो वकास पे जब स्टार्टअप लेते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, जब आपने लवबर्ड फार्मिंग का आगाज़ किया तो आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा? देखिए सबसे पहले तो यही होता है कि अगर आप पहला स्टेप होता है कि आप बर्ड को कीपिंग सही करें, कीपिंग करने के बाद आप उनको एक स्पेसिफिक एज में जाके ब्रीड पे लगाते हैं, तो आप उनकी ब्रीड लेने के आपको सारी तरीके जो हैं कीपिंग के आने चाहिए कि कैसा उनका नेस्ट बॉक्स होना चाहिए, कैसी उनकी डाइट होनी चाहिए। तो अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आपके पास बच्चे निकल रहे हैं, ब्रीड आ रही है और आप बच्चों को भी सर्वाइव करवाने के काबिल हैं, इस तरह की कोई गलतियाँ नहीं करते। शुरू में हर किसी से गलती होती है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है कि जिससे गलती ना हो, तो वो गाइडेंस आप किसी अच्छे बंदे से गाइडेंस लें, वीडियोज़ वगैरह देखें उसकी, तो ग्रेजुअली सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होती रहती हैं जी। तो वकास भी अर्निंग की बात करें तो एक पेयर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं? ये एक सब्जेक्टिव बात है। अब आप सपोज़ आपके पास अल्बाइनो रेड आई का पेयर है, तो एक सीज़न के अंदर आपको अल्बाइनो रेड आई भी 1-1.5 लाख रुपया एक पेयर दे जाता है। तो अगर आपके पास कोई सपोज़ कोई लेटेस्ट म्यूटेशन है, सपोज़ पैलेट की कोई म्यूटेशन है, पैलेट आपके पास लगा हुआ है, पेल लगा हुआ है, तो उन बर्ड की एक पेयर की अर्निंग अच्छी खासी होती है, मिलियन तक टच कर लेता है वो एक पेयर भी। ठीक ठीक। तो वकास भाई आजकल बड़ा इशू आ रहा है सेल करने का, क्या लवबर्ड इजीली सेल हो जाते हैं? देखें जस्ट लाइक एवरी बिजनेस, ये भी एक बिज़नेस है, ठीक है। कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर आपको कोई किसी किस्म की कोई अप एंड डाउन ना आए, ठीक है। अब जब कोई बंदा कोई स्टार्ट करता है तो ऑन बुक्स तो दुनिया का कोई कारोबार भी ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ना हो। ये तो जब आप प्रैक्टिकली करते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो ये उसका एक ड्रॉबैक आप कह लें कि एक फीचर है कि कोई चीज़ें स्लो भी होती हैं। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपके मुल्क में स्लो होगी तो उसके साथ ये चीज़ भी स्लो हो जाएगी, और ये पार्ट ऑफ बिज़नेस है। इसको इतना ज़्यादा जो है वो नहीं लेना चाहिए कि यार बर्ड नहीं बिक रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हकीकत है। हर किसी बंदे का बर्ड सेल होता है, ठीक है, क्योंकि डिमांड देखें इतनी ज़्यादा है कि उसको मीट नहीं किया जा सकता लोकली प्रोडक्शन से। इसी वजह से आप देखते हैं कि इतनी इतनी ज़्यादा माइटी इम्पोर्ट्स होती हैं, और ग्रेजुअली अब लोगों को समझ असल में ज़्यादा आ गई है, तो लोग देखते हैं कि यार अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बर्ड हो, वो सेल करने में किसी के लिए भी कोई मसला नहीं है। जो प्रॉब्लमेटिक है सेल करना, वो प्रॉब्लमेटिक सेल करना है एक लो क्वालिटी का बर्ड या एक एवरेज बर्ड को सेल करना मुश्किल है। वो खाली एक न्यू बिगिनर के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हर किसी के लिए प्रॉब्लम है। वो जितने कोई बड़ा बर्ड ब्रीडर भी है ना, उसके पास भी ये प्रॉब्लम फेस होती है। वकास भाई लवबर्ड एक साल में कितने क्लच करते हैं और एक क्लच में कितने बच्चे आ जाते हैं? नॉर्मली लवबर्ड के जो क्लचेस हैं वो 3-4 होते हैं, और ऑन एन एवरेज एक पर क्लच 3-4 बच्चे भी आ जाते हैं। फर्टिलिटी रेशियो क्या होती है इनमें? फर्टिलिटी रेशियो जो आपके सही पेयर्स हैं उनकी तो 100% फर्टिलिटी होती है,
लेकिन थोड़ा बहुत माइनर किसी की ना किसी का कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। तो कासमी, इनका बच्चा कितनी देर में सेल्फ होता है लवबर्ड्स का? लवबर्ड का बच्चा ऑलमोस्ट 50 डेज का सेल्फ हो जाता है। आकाश भाई, हमने तो सेटअप आपके पास लगा माशाल्लाह, लेकिन किसी बंदे के पास सेटअप नहीं लगा, उसने दो तीन पेड़ रखे हुए हैं, तो उसे घर में कौन सी जगह चूज़ करनी चाहिए बर्ड्स को रखने के लिए? जो एक इसकी लोकेलिटी है, जिस लोकेशन के ऊपर इनको प्लेस करना चाहिए आपको, वो एक तो वहाँ पे सनलाइट आती हो, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो, और जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट उस जगह पे रहता हो। मॉडरेट टेम्परेचर होना, सनलाइट होना और प्रॉपर वेंटिलेशन होना, ये एक हर बर्ड की ज़रूरत है, बेशक वो बर्ड है, फिंच है, या कोई सी भी आपने स्पीशी रखी हुई है। जी, तो वकास भाई, हम दो डिफरेंट म्यूटेशन ब्रीड करवाते हैं, तो जो चिक्स जाएंगे वो ज़्यादातर मेल पर जाएंगे कि फीमेल पर जाएंगे? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सपोज़ आपके पास सेक्स लिंक म्यूटेशन है, उसमें मेल डोमिनेटिंग होता है, और मेल ने तो अपना रिजल्ट दे ही देना 100%, उसने सारी फीमेल्स आपको अपने जैसी दे देनी है। अगर कोई रिसेसिव है या इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, इस तरह करके वो डिफरेंट बिहेव होता ही है किसी भी जेनेटिकल चीज़ की। जेनेटिक बिहेवियर डिफरेंट होगा जी, वो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो वकास भाई, हर बिजनेस के दो पॉइंट होते हैं, प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, आपके मुताबिक लवबर्ड फार्मिंग के नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? देखिए, लवबर्ड फार्मिंग का नेगेटिव पॉइंट जो सबसे बड़ा है, एक तो ये इन एसोसिएट विद लाइफ है, तो मरने के, बीमार होने के वो चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको पता है कि जिसके साथ कोई जीने मरने का रिस्क लगा हो, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। और काश भी, आपका माशाल्लाह 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो 6 साल का एक्सपीरियंस में आपसे कुछ ऐसी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से आपको बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा हो? शुरू में जो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा मेजर इसका आप कह लो कि जो एक्सपीरियंस किया, वो ये है कि आपके बर्ड रेडी नहीं होते तो आप उनको ब्रीड पे लगा देते हैं। और जब आप ऐसे बर्ड को ब्रीड पे लगा दें, तो वो आपका पूरा अगले सीज़न तक भी सही तरह, पूरा सीज़न आप कह लें 6-7 महीने उन्होंने सही तरह परफॉर्म करना ही नहीं, तो जो आपने उनके साथ उम्मीदें लगाई हुई हैं वो सारी की सारी आपकी फिर चकनाचूर हो जाएंगी। ऐसे तो इसलिए प्रॉपर एज के अंदर आप बर्ड को ब्रीड पे लगाएं, प्रॉपर आपका उस टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशंस हों। ये नहीं है कि आपको जब आपको महसूस हो कि नॉर्मली लोग 90% यही गलतियाँ करते हैं कि जैसे ही एक मौसम बेहतर हुआ है तो उन्होंने बॉक्स लगा देने हैं। उन्होंने इस चीज़ को सस्टेन नहीं करने देना, और ये नहीं चेक करना कि यार ये अभी वेदर जो अच्छा हुआ है क्या ये अब सस्टेन करेगा अगले 15-20 दिन, तो तब बॉक्सेस प्लेस करने चाहिए या तब जो है। और सेकेंडली ये होता है कि आप उनका बर्ड प्रॉपर मोल्ट ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने उसको बॉक्सेस प्लेस कर देने। जी, तो वकास भाई, एक नया बंदा स्टार्टअप लेना चाह रहा है, तो अपनी नॉलेज कहाँ से गेन करे लवबर्ड फार्मिंग का? बहुत देखिए, अब तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल हैं ओवर द इंटरनेट, हम काफ़ी दोस्त हैं जो वीडियोज़ हर वेदर के हिसाब से, डाइट प्लान के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से आपको इंटरनेट पे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो उन चीज़ों को देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। बुक बर्ड्स लवबर्ड कंपेंडियम एक बेसिक बुक है लवबर्ड के मुतालिक, तो वो पढ़नी चाहिए, उन जेनेटिकली भी पढ़ना चाहिए, समझ आएगी उनको, और जो बाकी कंडीशनिंग है ब्रीड के लिहाज से, उनकी डाइट के हवाले से, वो सारी चीज़ों को उनको पता चलेगा। बॉक्स का साइज़ क्या होना चाहिए, केज का साइज़ क्या होना चाहिए, कैसा लवबर्ड एनवायरनमेंट पसंद करता है, हर चीज़ का उनको इन्फॉर्मेशन अब तो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। जी, तो वकास पे नया बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप ले? देखें, हमेशा वही चीज़ पायदार होती है जो एक ग्रेजुअल तरक्की, ग्रेजुअल स्टेप्स अचीव करते करते एक डेफिनेट पॉइंट तक जाके पहुँचती है। तो इसमें मेरे मुताबिक आपको, या कोई भी नया बंदा अगर इस हॉबी में आना चाह रहा है और इसको एज ए बिज़नेस लेके चलना चाहता है, तो वो अपनी ज़्यादा पैसे ना इसमें इन्वेस्ट करे, एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही अपने आप को आगे लेके चले, और देखे कि वो इसका रिस्पांस उसके उसको उस पर कैसा आता है।
तो काश पे ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? ब्रीडिंग के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट, एक तो देखिए सबसे पहले कि आपके पास तो DNA सेक्स्ड पेयर हो, मेल फीमेल रिकग्नाइज्ड हो और उनकी प्रॉपर एज हो, प्रॉपर उन्होंने मोल्ड किया हो, कंडीशनिंग उनकी बेहतर हो, फिर आप उनको अच्छा डाइट प्लान दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ये चीज़ों को अगर आप कंप्लाई करें तो आपके पास अच्छी ब्रीड ना आए। जी वकास भाई, बर्ड परचेज़ कहाँ से करें? बर्ड परचेज़ कहाँ से करें? बर्ड परचेज़ के लिए अब तो देखें मुख्तलिफ फेसबुक के ऊपर फोरम्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, या कुछ ब्रीडर्स हैं जो अपने बर्ड सेल करते हैं। ऑथेंटिक बंदे से करना चाहिए या मार्केट से करें? जहाँ से आपको अच्छा बर्ड मिलता है। एक तो देखें ये भी फिर एक सब्जेक्टिव बात हो जाती है, फिर आपको पता होना चाहिए कि बर्ड मैंने कैसा बाय करना, क्योंकि देखें फर्स्ट जो स्टेप है वो तो आपकी बाइंग ही है ना। बिल्कुल, अगर आपका फर्स्ट स्टेप गलत हो जाए तो अगले सारे स्टेप्स बेकार हैं। इसलिए आपको किसी जो है एक तो रिनाउंड या अच्छा आपको, या अगर आपको इन्फॉर्मेशन है कि यार बर्ड के अंदर ये फ़ीचर होने चाहिए, तो आप जिससे मर्ज़ी बर्ड लें। सेकेंडली अगर आपको नहीं इतनी इन्फॉर्मेशन, तो फिर आपको किसी अच्छे बंदे से भी बर्ड लेना चाहिए। तो वकास भाई, आपके मुताबिक कौन से मेन साइन देखने चाहिए जब बर्ड परचेज करने जाते हैं? अच्छा देखें, ये वाले जो फीचर्स हैं वो बर्ड्स के पढ़ने से ही आएंगे या देखने से आएंगे। आप पहले देखें कि जो किस तरह का बर्ड विन करता है किसी भी शो में। अभी रिसेंटली BVA का शो हुआ, मेजॉरिटी ऑफ़ दी बर्ड्स जो विन किए थे वो पाकिस्तान के लोगों ने ही बाय किए हैं। माशाल्लाह, ठीक। तो देखिए उनके फीचर्स क्या थे, वो क्यों विन किए। वो कोई भी अगर बंदा उन चीज़ों को जज करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार इस तरह का बर्ड होता है कि जो आइडियल होना चाहिए। जो जिनके पास यहाँ पे बहुत अच्छे बर्ड हैं उन लोगों ने वो बर्ड बाय किए हैं। इसका मतलब है कि वो उनको शायद लगता हो कि यार मेरे पास ऐसे फ़ीचर नहीं है, या मेरे पास ये वाला टाइटल नहीं है, मेरे पास ये वाले टाइटल के बर्ड होने चाहिए मेरी एवरी के अंदर, ताकि मेरे पास जो प्रोडक्शन आए वो टॉप क्लास आए। वकास भाई, डाइट में क्या दे रहे होते हैं बर्ड्स को आप? डाइट में एक तो देखें सबसे जो बेसिक बर्ड की रिक्वायरमेंट है वो तो एक अच्छा उनका सीड मिक्स है। सीड मिक्स के अंदर फिर आपने देखना है कि जिस तरह इंसानों के अंदर भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन कंटेंट, कार्ब्स कंटेंट, उनका फाइबर कंटेंट, वो सारा देख के आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके बर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है। वैसे तो बेसिक जो सीड मिक्स हैं वो अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ लोगों ने अपने सीड मिक्स बना के अपलोड किए हुए हैं, वो सारे ही ऑलमोस्ट बेहतर हैं। अब आपके ऊपर है कि कोई नया बंदा उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। विटामिन कौन से इस्तेमाल करवाने चाहिए वकास भाई? विटामिन अगर आपकी डाइट अच्छी है और आप जो जितनी भी सीजनल बर्ड की रिक्वायरमेंट होती है इसमें वेजिटेबल्स के अंदर आप वो देते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म के कोई सिंथेटिक विटामिन की ज़रूरत है आपके बर्ड को। बिल्कुल। तो वकास भाई, इन्वायरमेंट कैसा देना चाहिए बर्ड्स को? इन्वायरमेंट मैंने आपको पहले इसके ऊपर बात की थी कि मॉडरेट इन्वायरमेंट होना चाहिए बर्ड का। ठीक है, ज़्यादातर कोई सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हमें इतना मैनेज करने की नहीं ज़रूरत पड़ती, क्योंकि बर्ड के लिए वो आइडियल वेदर होता है। लेकिन उसमें भी जितनी मर्ज़ी सर्दी आ जाए आपके पास वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए। वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपके लिए, आपके बर्ड के लिए प्रॉब्लम है। बस भाई, आपके मुताबिक इनडोर शेड ज़्यादा अच्छा रहता है कि आउटडोर? मेरे मुताबिक इनडोर शेड जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह क्या है बकास भाई? उसकी वजह ये है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा मैनेज कर सकते हैं मौसम के लिहाज से, जो भी आप उसके अंदर कोई एडिशन या डिलीशन करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, आपके कंट्रोल में वो थोड़ा बहुत आ जाता है। लेकिन जो आपके आउटडोर शेड्स हैं वो भी शुरू में, अभी भी आपके काफ़ी ब्रीडर हैं जो कि आउटडोर शेड के ऊपर बड़े अच्छे बर्ड ब्रीड करा रहे हैं। नंबर वन जो उसका सबसे बड़ा जो इशू है वो इनसिक्योरिटी है। आजकल बर्ड बहुत महंगा है, तो अगर आपने भी सुकून से रात को सोना है तो आपका लॉक एंड की प्रॉपर होना चाहिए शेड का। तो हमारे लिए तो आप कह लें कि सारा कुछ ही वो हमारे बर्ड्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में जो है वो प्रॉपर
आपका शेड हो लॉक एंड की के अंदर, तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। तो वकास भाई, इनफर्टिलिटी की रीज़न क्या होती है? मैं इनफर्टिलिटी की रीज़न्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। नंबर वन तो यही होती है कि आपका पेयर रेडी नहीं है, तो आपने उसको ब्रीड के लिए प्लेस कर दिया, प्रॉपर एज नहीं है उनकी, उन्होंने प्रॉपर मोल्ड नहीं किया। आपका सपोज़ कोई बर्ड है, वो अभी किसी बीमारी से निकला है और आपने उसको सीधा ब्रीड पे लगा दिया, तो इनफर्टिलिटी क्रिएट करेगा 90%। जी वकास पे, मेन में बीमारियाँ कौन सी आती हैं बर्ड्स में? बर्ड में मैंने जो अपने लव बर्ड की बात करें, लव बर्ड में कौन कौन सी मेन बीमारियाँ आती हैं? लव बर्ड में मेन बीमारी तो जो आती है वो इनको कॉक्सी है, ठीक है, और इसके अलावा जो इनकी बीमारियाँ हैं वो जो इनके नोज़ होल्स हैं या जो फोर सेंसेस हैं आँखों के, आँखों से स्टार्ट होती है बीमारी या नोज़ होल से इनको आप इनको इशू पड़ता है सांस का, ठीक है, वो एक्सकलेट करता रहता है बॉडी के अंदर सारी, फिर आप कह लें पैरासाइटल अटैक्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उसको आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर ही क्योर कर लें, यानी कि आँखों और नाक तक ही जब तक वो महदूद हो, तो तब वो ज़रा जल्दी पकड़ा जाता है। उसके बाद जब वो नीचे तक डाउन स्ट्रीम तक अटैक कर ले तो वो फिर क्रॉनिक हो जाता है। और मेन रीज़न उसकी, उस वाली बीमारी की भी प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन हो तो मेरा नहीं ख्याल के बर्ड बीमार होता है। जी वकास भाई, आई इन्फेक्शन बहुत बड़ा इशू है, तो आई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? आई इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, आई इन्फेक्शन का भी ट्रीटमेंट देखें, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट यहाँ पे लोग करते हैं उसका। मैंने जो उसको कभी, जब मेरे पास वो इशू अब फेस हुआ था एक दफ़ा, तो मैंने तो उसके अंदर वायरल एक मेडिसिन थी न्यूमाइसिन सल्फेट, मैंने तो वही इस्तेमाल की थी और मेरे पास उस वो क्योर हो गया था। माशाल्लाह। तो वकास भाई, आपका माशाल्लाह 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड पे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस लव बर्ड फैंसियर्स को यही देना चाहूँगा कि वो सुकून से शौक करें, किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर अपना ध्यान मत दें, अपना शौक करें, अपनी ब्रीड आए उसको संभालें प्रॉपर तरीके से अच्छा बर्ड ब्रीड कराएँ, और जो आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे आप उसको प्रॉपर गाइड करें, और कभी किसी को जो है वो कोशिश ये ना करें कि आपके पास अगर बर्ड अच्छा है तो उसको अच्छा बर्ड ही किसी आगे बंदे को दें। जो गलत बर्ड आपको लगता है कि यार ये वाला बर्ड प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर उसका फिर बता के दें कि यार इस बर्ड के अंदर ये फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, और सुकून से अपना शौक करें। चलें तो इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लाइफ स्टॉक का काम ऐसा है जो जिसमें आपको, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है। तो जब आपको कोई नुकसान नहीं है तो आपकी अवलीन कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आगे किसी बंदे को आप बर्ड दे रहे हैं उसके पास किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। चलें बहुत शुक्रिया वकास भाई, आपने कीमती वक्त दिया और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमें। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी सी वीडियोस लेकर आते रहें और सेटअप विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद इरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजिम दबा दीजिए, जिससे हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँची रहेगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।